शिवराज की कुर्सी पर मंडराया संकट, मध्य प्रदेश की सियासत में आया भूचाल, भाजपाइयों में मचा हड़कंप। बताते चले, मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव की तारीख पास आ रही है वैसे वैसे सियासत और गर्मा रही है। दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। इसी बीच सोशल मीडिया पर यह बात तेजी से फैल रही है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को हटाकर किसी और बड़े नेता को सीएम की कुर्सी संभालने के निर्देश दिए जा सकते हैं। जी हां, आपको बता दें, इस कड़ी में मध्य प्रदेश के कई नेताओं के नाम तक चल रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर हम बता दें आपको कि मध्य प्रदेश बीजेपी की सियासत में जब भी भूचाल आता है तब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सारी विपदाओं को टाल देते हैं। एमपी की सियासत में कई बड़े बदलाव हुए, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जब भी नाम आया तब मामला टल गया। इस बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर किसी बड़े नेता की ताजपोशी को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर खबरें वायरल हो रही हैं। बता दें कि मंगलवार को भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जारी है, जिसमें एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय सहित 15 नेता शामिल होंगे। इस बैठक में मिशन 2023 को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। आपको बता दें कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल नेताओं द्वारा मिशन 2023 को लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है। पार्टी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को हटाने को लेकर कोई मुद्दा नहीं है। बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव 2023 लड़ा जाएगा। पार्टी के आधिकारिक सूत्र इस बात की भी पुष्टि करते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ही सबसे ज्यादा विधायकों का समर्थन है। इसके अलावा पार्टी भी उनकी कार्यशैली से काफी खुश है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।